हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो और एक व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है और मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं आज अपने लिए एक DSLR कैमरे को ख़रीदने के लिए अभी जाने लग रहा हूँ गुड़गांव सेक्टर 28, और मैं वहाँ चलकर देखता हूँ कैनन और सोनी में से कौन सा मेरे को बेटर कैमरा अच्छा लगता है। तो मैं कैमरा इसलिए अपना बाय करने लग रहा हूँ क्योंकि मैं अपना व्लॉग वीडियो में एक अच्छी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट दे सकूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, और मैं वहाँ चलकर ही चेकआउट करूँगा मेरे को क्या रेट वहाँ पर कैनन और सोनी में मिलता है। तो यह सब आप देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और ये मेरे छोटे भाई हैं। हेलो गाइस, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम वासु है और मैं अमित का छोटा भाई हूँ। आज हम दोनों जाएंगे गुड़गांव, वहाँ से शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। तो वहाँ चल के आपको आपके सारी इंफॉर्मेशन देंगे कैमरे के रिगार्डिंग। ओके, तो अभी हम कैमरे के रिगार्डिंग वहीं चल कर अभी बाकी सभी बातें करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मरोत्ता के बस स्टैंड पर पहुंच गया हूं और अभी मैं बस से ही गुड़गांव जाऊंगा, और काफ़ी अच्छा सफर मेरे को बस के अंदर मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको रोहतक का बस स्टैंड दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ये रोहतक का बस स्टैंड है, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, ये बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। और मैं अभी चलता हूँ गुड़गांव के काउंटर नंबर पर और वहाँ चल कर मैं अपना टिकट बुक करवा लेता हूँ। गुड़गांव का काउंटर है, मैं यहाँ से अपनी टिकट ले लेता हूँ। तो अभी मैं ये हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक और बस के अंदर मैं चलता हूँ, अपनी सीट ले लेता हूँ। टिकट हमने ले ली है, अभी बस चलने वाली है। और अभी गुड़गांव बस स्टैंड पहुंच गया हूं मैं। यहां से ऑटो या क्या और आगे का ट्रैफिक मेरे को मिलता है। और अभी हमने ऑटो को किया बुक और आगे मॉल की तरफ जाने लग रहे हैं। आगे का वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा। किराया दे दिया है ऑटो वाले को, अभी किराया नहीं दिया, अभी तो जाने लग रहे हैं। नहीं, वहाँ पहुँच जाएंगे जब। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद भाई को किराया देंगे। गुड़गांव सिटी का बाजार है, काफी क्राउड है। In 300 meters, make a U-turn at Metro Pillar number 114. Make a U-turn at Metro Pillar number 114, then turn left. Take the next right toward National Highway 148A, then turn left onto National. और लोकेशन पर अब हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर मॉल। बहुत प्यारी लोकेशन है ये गुरुग्राम में सेक्टर 28, और ये सामने सिटी सेंटर मॉल, और इसी के अंदर अभी हम जाने वाले हैं मॉल के अंदर। अभी मैं जाने वाला हूँ कुमार कैनन स्टोर। ये काफ़ी अच्छी पार्क यहाँ पर बनी हुई है मॉल के बिल्कुल बाहर यहाँ पर ये। तो अभी मैं अपना चेकआउट यहाँ पर एंट्री के लिए करवा लेता हूँ। और ये मॉल के अंदर अभी हम पहुँच गए हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी अच्छे शोरूम यहाँ पर हैं। तो अभी मैं चलता हूँ मॉल के सेकंड फ्लोर की के ऊपर, और यहीं पर सेकंड फ्लोर के ऊपर है कुमार कैनन। तो वहाँ चल कर मैं एक बार देखता हूँ कौन सा कैमरा मेरे को मिलता है। बहुत ही प्यारा मॉल यहाँ पर है ये सेक्टर 28 सिटी सेंटर मॉल। और अभी मैं लिफ्ट से चलता हूँ सेकंड फ्लोर पर। लिफ्ट यूज करके हम सेकंड फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पर PVR, और यहाँ पर ये शोरूम है
और ये इधर ही लिफ्ट भी है। काफ़ी ब्यूटीफुल मॉल है ये यहाँ पर। तो यहीं पर मैं अपना इधर कैनन का जो कुमार स्टोर है वहाँ पर मैं चलता हूँ एक बार। काफ़ी बड़ा मॉल है तो यहीं से मैं अंदर चलता हूँ एक बार। और तो जो लोकेशन मेरे को मिली है वो यहीं पर है, ये सिटी सेंटर मॉल के अंदर कुमार के नाम से स्टोर है, मैं वहाँ पर लगभग पहुँच ही गया हूँ। मॉल के अंदर ये कैनन का स्टोर है जहाँ से मैं अपना DSLR कैमरे को बाई करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक बार अंदर चलता हूँ। तो शोरूम में एंट्री करते ही ये यहाँ पर कैश काउंटर है और सामने ये कैनन का एक काउंटर है और इसी के आगे ये निकॉन के काफ़ी मॉडल यहाँ पर लगे हुए हैं और इसी से आगे ये फुजी फिल्म के भी काफ़ी कैमराज अवेलेबल हैं और ये सोनी के काफ़ी अच्छे लेंसेज हैं यहाँ पर 24-105 mm 1,20,000। और ये यहाँ पर सोनी डिस्प्ले लगी हुई है और यहाँ पर ये सोनी का कैमराज डिस्प्ले में है और ये टैमरॉन के लेंसेज हैं, काफ़ी बेटर लेंस हैं। और ये बैग हैं काफ़ी सारे। तो स्टोर काफ़ी बड़ा है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं आगे और चलता हूँ। और ये डिस्प्ले में यहाँ पर ये GoPro 10 सीरीज यहाँ पर रखी हुई है। तो SK स्टोर ये पड़ता है गुड़गांव सेक्टर 28। तो अभी मैं गुड़गांव सेक्टर 28 कुमार के स्टोर पर यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ और मैं अभी अंदर चलता हूँ और कैनन और सोनी में से मैं अभी एक कैमरे को बाई करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक बार अंदर चलता हूँ और कैमरा अपने लिए सेलेक्ट करता हूँ और क्या रेट मेरे को मिलता है। तो चलिए एक बार आप अंदर आइए। कैनन में बेस्ट कैमरा मैन आर सीरीज में बेस्ट जो रहेंगे 1-20 तक को। तो ये कैनन का R10 है मिररलेस सीरीज। तो इसका प्राइस क्या है? सर इसकी MRP 1,18,000। तो ये डिस्काउंट करके 1,08,000 का रहेगा मेरे को। एक तो मैं इसको कर लेता हूँ। मैम सोनी के अंदर है और कौन सा कैमरा? सोनी में ऑप्शन है, सोनी में फुल फ्रेश कैमरा क्या आप 1,00,000-1,50,000 में? कैनन का 60D कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो काफ़ी अच्छे मॉडल हैं कैनन के अंदर, 200D और 50D 1500D। तो मैं अभी यहाँ से मैं कैनन R10 की सीरीज को इसी में एक बार चेकआउट कर लेता हूँ किस तरह का ये कैमरा है और क्या रेट में जो मैंने बताया 1,08,000 लिया है। कैनन R10 मिररलेस, इसका लेंस 18-150 mm। तो चलिए अभी मैं इसकी पेमेंट प्रोसेस कर लेता हूँ फाइनल। तो फाइनली हमने अपने लिए कैमरा को सेलेक्ट कर लिया है मिररलेस कैनन R10। अभी मैं उसकी पेमेंट करता हूँ। तो चलिए मैं काउंटर पर चलता हूँ। तो पेमेंट हो चुकी है कैमरे की। तो अभी मैं उसको चेकआउट करूँगा ओपन करके क्या कुछ उसको मेरे को मिलता है। तो चलिए मैं अपने कैमरे को चेकआउट कर लेता हूँ। पेमेंट उसकी हो चुकी है तो और कैमरे का अनबॉक्स भी अभी करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कैमरे की बैटरी है।
कैसा लग रहा है? काफी अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा है, और मेरा ये फर्स्ट कैमरा है कैनन का, और अभी मैं इसको चेकआउट कर रहा हूँ। तो फाइनली आज मैंने अपने लिए एक मिररलेस कैमरा कैनन का R10 ले लिया है, और मैंने ये कैमरा अपने व्लॉग में एक अच्छा वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पैकअप हो गया है, हम अभी निकलते हैं अंदर, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स स्टोर पे हमारे को मिला है, स्पेशली मैम ने हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और बेसिक जो कैमरा है वो हमारे को थोड़ा बहुत समझा दिया, और कैनन R10 मेरे को बेस्ट लगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने इसे बाय कर लिया है। अब चलिए चलते हैं। सर कैसा फील हो रहा है कैमरा लेके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए कैनन से एक मिररलेस कैमरा अपने लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम खरीदा है, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये कैमरा मेरे पास है। तो मैं चलिए मैं घर चलता हूँ, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं अगली वीडियो में दूँगा। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, कैमरा हमने ले लिया है, ये भैया साथ में। हेलो वासु, तो हम दोनों आज आए थे अपने लिए एक कैमरा ख़रीदने के लिए, और हमने फाइनली कैमरा अपने लिए ख़रीद लिया कैनन R10। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अपना जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली यहाँ पर मॉल और जो स्टोर पर हमने विजिट किया बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिला, जेन्युइन रेट हमारे को मिला, और कैमरे की जो क्वालिटी है बहुत ही प्यारी लगी। आप ये मॉल देख रहे हैं पीछे से, दी बेस्ट मॉल है गुड़गांव का, स्काई सेंटर मॉल। तो चलिए हम अभी घर चलते हैं। तो अभी कैमरा हम लेके आ चुके हैं, और काफ़ी टाइम हमारे को लगा है, और शाम हो चुकी है, तो कुछ हम अपने लिए थोड़ा खाने का ले लेते हैं, मॉल के अंदर ही है हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारे को क्या कुछ हम लेते हैं। ब्रिस्टा, और ये यहाँ पर ये डिस्प्ले के अंदर है स्वीट कॉर्न। हेलो सर, कोल्ड ड्रिंक है, और ये भैया यहाँ पर बैठ गए हैं। हम मेनू में देखते हैं अपने लिए क्या ऑर्डर करते हैं। ये मेनू है, भाई पढ़ रहा है अभी, और अभी हम ऑर्डर करते हैं। तो अभी हमने कुछ खाने का जो ऑर्डर किया था वो ले लिया हमने, और अभी हम निकलते हैं घर की साइड, और काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो चलिए अभी हम घर पहुँचते हैं। बाय बाय।